morning, children. Class 3, English literature, chapter number 2, A Magic Mango. This is a story. Okay? So, start the reading. Kripal Singh was a king of Ramgarh. Kripal Singh, jo Ramgarh ke raja hai. Suniri, the beautiful princess, was his daughter. She was 10 years old. Kripal Singh loved his daughter more than his own life. Once Sunili fell ill. So Kripal Singh, जो कि रामगढ़ के राजा थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था Sunili. और Sunili जो है वो उसको Kripal Singh बहुत प्यार करते थे और अपने जान से भी, अपनी प्राण से भी ज़्यादा अपनी बेटी को चाहते थे. Kripal Singh के बेटी जो है Sunili, वो fell ill, वो बीमार थी. The king called the best physician from far off countries to cure her, but Sunili did not get well. राजा देश, दूसरे देश से भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर लाने का कोशिश किए उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, बट Sunili ठीक नहीं हो रही. The king was very sad. One of his courtiers said, The princess can get well if she eats the magic, if she gets the magic mango. So, राजा के एक कॉर्टियर जो कि राजा के दरबार में एक मंत्री थे, वो उनको बोले कि प्रिंसेस, इनके राजकुमारी Sunili, वो ठीक हो सकती है अगर उसको मैजिक मैंगो खिलाया जाए. They lived a poor Brahmin and his wife in Ramgarh. They heard about Sunili's illness. They had a parrot as a pet. The Brahmin and his wife loved the parrot very much. उसी रामगढ़ में एक ब्राह्मण अपनी वाइफ के साथ रहते थे और उनके पास वो लोग Sunili के और इलेस के बारे में सुने. उनके पास एक पैरट था जिसको वो लोग पालते थे और ब्राह्मण और उनकी वाइफ पैरट को बहुत मानते थे. दे कॉल एट पोपट एफेक्शनेटली, उसको प्यार से इस पैरट का पोपट बोलते थे. एवरी डे द ब्राह्मण गेव द पैरट ग्लोबस एंड चिलीज टू ईट. एवरी डे ब्राह्मण जो है अपना वो पैरट को गुआवा और रेड चिली खाने के लिए देते थे. बट पोपट लाइक द मैंगोज द मोस्ट, लेकिन ये पैरट जो है उसको मैंगो खाना ज़्यादा पसंद था. वन डे द ब्राह्मण से पोपट, द प्रिंसेस इज वेरी इल, शी कैन गेट वेल इफ शी ईट्स द मैजिक मैंगो. राजा के ब्राह्मण बोले कि राजा की जो बेटी राजकुमारी Sunili है वो बहुत बीमार है और उस वो तभी ठीक हो सकती है अगर उसे मैजिक मैंगो खिलाया जाए. सो यू नो, डू यू नो वेयर द मैजिक मैंगो इज. अब ब्राह्मण उस पैरट से पूछते हैं कि क्या तुमको पता है कि वो मैजिक मैंगो कहाँ है. पोपट सोड हिज हेल्पलेस हेल्पलीनेस एंड वन समर मॉर्निंग अ फ्लॉक ऑफ पैरट फ्लू ओवर द ब्राह्मण्स हट. The parrot tripped as they flew. We know where the sweetest mangoes are. We know where the magic mango tree is. एक दिन सुबह, गर्मी का दिन था और सुबह के समय बहुत सारा पैरट एक साथ उड़ रहा था ये ब्राह्मण के घर के ऊपर से. और वो पैरट्स जो है वो आपस में बात कर रहा था उड़ते उड़ते कि मुझे, हमें पता है कि मीठा मीठा मैंगो कहाँ मिलता है, हमें ये भी पता है कि कहाँ मिलता है, कहाँ है मैजिक मैंगो ट्री. पोपट एट वंस लुक्ड अप. अब पोपट जो है ऊपर देखता है. व्हाट मैजिक मैंगो ट्री, डू यू नो अबाउट दैट. कौन सा मैजिक मैंगो ट्री के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है. द पैरट्स रिप्लाई. अब पैरट जो है वो पैरट जो उड़ रहा था वो लोग रिप्लाई करता है, वो लोग आंसर देता है कि यस, अ मैजिक मैंगो ट्री इज देयर अक्रॉस द सेवन सीज. सात समुद्र के पार में वो मैजिक मैंगो ट्री है. ओह, टेल मोर अबाउट द ट्री, पोपट आस्क्स. द पैरट सेड, द ट्री हैज मैजिक मैंगोज, दे शाइन लाइक गोल्ड.
मैजिक मैंगो ट्री जो है वो गोल्ड सोने के जैसा चमकता है और उसमें एक गोल्डन बर्ड बैठा हुआ रहता है। तो बर्ड उस लोग के साथ उस मैजिक मैंगो ट्री के खोज में निकल पड़ता है और वहाँ जाके वो लोग जब पहुँचता है तो मैजिक मैंगो ट्री के ऊपर जो बर्ड जो कि गोल्डन बर्ड बैठा हुआ रहता है वो गाना शुरू करता है। आ स्ट्रेंजर लो कम एंड टेक द मैंगो यू वुडंट लेट अदर्स नो वेयर द मैजिक मैंगोस ग्रो। अब वो क्या गाता है जो गोल्डन बर्ड मैजिक मैंगो ट्री के ऊपर बैठा रहता है, वो गाता है कि तुम एक स्ट्रेंजर हो, तुम कहीं और कहीं से आए हो और मैजिक मैंगो लेना चाहते हो, लेकिन तुम प्रॉमिस करो पहले कि तुम ये मैजिक मैंगो ट्री कहाँ पर है ये किसी को नहीं बताओगे। ओपन प्रॉमिस आई वुडंट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। द बर्ड गेव हिम द मैजिक मैंगो एंड ही रिटर्न टू द ब्राह्मण। अब पोपट को वो गोल्डन बर्ड एक मैजिक मैंगो दे देता है और वो पोपट जो है उड़के कहाँ आ जाता है, ब्राह्मण के घर। हियर इज द मैजिक मैंगो, प्लीज टेक इट टू द प्रिंसेस। अब वो ब्राह्मण के हाथ में वो मैजिक मैंगो दे देता है और बोलता है कि ये जाके तुम राजकुमारी को दे दो। द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ फेल्ट मच प्लीज्ड, वो लोग बहुत खुश हो जाता है ब्राह्मण और उसकी वाइफ। दे आस्क्ड वेयर इज द मैजिक मैंगो ट्री। कोबर्ट सेड आई एम सॉरी आई कांट टेल इट टू एनीवन, आई प्रॉमिस द गोल्डन बर्ड टू कीप दिस अ सीक्रेट। अब वो लोग पूछने के लिए उत्साही होता है कि कहाँ है ये मैजिक मैंगो ट्री, कोबर्ट बताओ। बट कोबर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे मैं गोल्डन बर्ड को ये सीक्रेट ही रहने दूंगा, ये बोल के आती। नेक्स्ट पेज। द ब्राह्मण एंड हिज वाइफ टू द मैजिक मैंगो टू द किंग एंड सेड सर हियर इज द मैजिक मैंगो फॉर द प्रिंसेस। अब मैजिक मैंगो लेके ब्राह्मण जो है और उसकी वाइफ राजा के पास पहुंचते हैं और राजा के हाथ में मैजिक मैंगो लेके उसको प्रिंसेस को खिलाने के लिए बोलते हैं। द किंग वाज अमेज्ड टू सी, किंग जो है बहुत अमेज हो जाते हैं वो देखे कि वे कहाँ से लेके आए मैजिक मैंगो। ही गेट टू द प्रिंसेस सी एट इट एंड गॉट वेल एट वंस। अब वो प्रिंसेस को देते हैं, राजा ले जाके वो मैजिक मैंगो प्रिंसेस को देते हैं और प्रिंसेस जो है उसको खाने के बाद जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। द किंग टोल्ड हर अबाउट द पूर ब्राह्मण एंड हिज वाइफ, tears of graduate came in Sunili's eyes. She said, please call them and give them a good reward. I was dying, but they saved my life. Raja ki jo beti Sunili, that means Rajkumari Sunili, Raja se poochte hai ki wo log ko bula dijiye, wo brahman aur uski wife ko bula dijiye jo ki mera jaan bachaye, kyunki main marne ja rahi thi, marne wali thi aur wo log mera jaan bachaye, इसलिए उसको लोगों को कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। द ब्राह्मण केम विद हिज वाइफ एंड द पैलेस। द किंग टुक हिम इनसाइड द पैलेस एंड सेड प्लीज एक्सेप्ट दिस गोल्डन मनी। द ब्राह्मण सेड आवर पैलेस पोपट इज द ट्रू क्लेमेंट ऑफ दिस रिवॉर्ड। ही फ्लू अक्रॉस द सेवन सीज एंड ब्रॉट द मैजिक मैंगो। ब्राह्मण और उसकी वाइफ जो है पैलेस के अंदर लाए जाते हैं और राजा उन्हें बहुत सारा सोना और मनी जो है पैसा देते हैं और उनको लेने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। पर ब्राह्मण जो है वो बोलते हैं कि नहीं, ये इसका सही हकदार जो है मेरा पैरेट है, क्योंकि पैरेट जो है वही सेवन सीज के पार जाके, सात समुद्र के पार जाके वो मैजिक मैंगो लेके आए। द प्रिंसेस प्रेड फॉर अर्म्स एंड सेड ब्राह्मण बाबा प्लीज गिव मी योर पोपट, ही ब्रॉट बैक माई लाइफ। शी टू पोपट हग्ड हिम एंड केप्ट हिम विद हर फॉरएवर। और प्रिंसेस जो है वो अपना हाथ फैला के ब्राह्मण को बोलती है कि मुझे अपना पैरेट दे दीजिए जो कि मेरा जान वापस ला दिया है। अब वो अपना वो पैरेट जो है उसको अपना हाथ में ले लेते हैं और उसको अपने पास ही हमेशा के लिए रखते हैं। द ब्राह्मण बिगन टू लिव अ हैप्पी लाइफ विथ हिज
वाइफ एंड पैरेंट इन ऑफ द पैलेस ऑफ ब्राह्मण और उसकी वाइफ एक सुखी जीवन बिताने लगे और वही पैलेस में रह के अपना पैरेंट के साथ, ठीक है. सो दैट्स ऑल दिस फ्रॉम दिस स्टोरी. आफ्टर दैट हेयर सम वर्ड मीनिंग. यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग एंड लर्न इट ऑल्सो. आफ्टर exercise will be provided by us and you will write it in your fair copy. Okay, class 3.